दो साल से स्पेशली 2021 और 2022 में आफ्टर एसेंशियल रेगुलेशन 21 जितना ज्यादा बच्चों ने सफर किया है, स्पेशली जो बच्चे अब्रॉड रहे हैं, वो मुझे लगता है मेरे करियर में सबसे ज्यादा विभत्स और सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग सिनेरियो रहा है पिछले दो साल। डेफिनेटली हम एज अ पेरेंट जो आज अपने बच्चों को फ्यूचर देख रहे हैं, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा 5 साल 6 साल बाद ऐसी कंडीशन में आए कि कहीं ना कहीं वो भी उसी मझधार में बैठा हो, वो भी उस सड़क पे अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा हो और हम ऐसा पेरेंट अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं और गिल्ट में हो। किसी भी स्टेज में किसी भी टाइम पे अपना कॉलेज अपनी कंट्री नहीं बदल सकते, सो यू हैव टू बी वेरी 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 श्योर। देखिए लोग आपको बोलेंगे सीट खत्म हो रही है, कॉलेज खत्म हो रहा है, जल्दी ले लो, बुकिंग करा लो, ये कर लो, वो कर लो, पहली सिचुएशन क्रिएट करेंगे। प्लीज मेरी आपसे बहुत ज्यादा हम्बल रिक्वेस्ट है, कोई सीट कहीं खत्म नहीं हो रही। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज का जो मेरा ये डिस्कशन है, जो मेरा संवाद है, ये स्पेशली पेरेंट्स से है। मैं आपके सामने कोई प्रेजेंटेशन नहीं देने जा रहा, मैं कुछ कंटेंट नहीं बताने जा रहा, ना ही मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आप MBBS इंडिया के बाहर करना चाहते हैं तो क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी कंट्री या किस पर्टिकुलर कॉलेज में आपको जाना चाहिए। दोस्तों मैं आज इस छोटे से इंटरेक्शन में सिर्फ आपसे कुछ फंडामेंटल बातों के बारे में बात करना चाहता हूँ और मुझे लगता है इस पूरे प्रोसेस में जब आप कॉलेज देख रहे हैं, जो भी ये पूरा एंड टू एंड काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, हम लोग शायद गलत पैरामीटर्स या गलत चीज़ों के बेसिस पे चीज़ों को या अपने कॉलेज सिलेक्शन में जा रहे हैं और फंडामेंटली हम कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप सबको ये समझना पड़ेगा कि आज आपको आई एम श्योर बहुत सारे कॉल्स आ रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के द्वारा, काउंसलर्स के द्वारा, कॉलेजेस के द्वारा बहुत सारे अलग अलग ऑफर दिए जा रहे हैं। चीज़ें काफ़ी रोजी दिखती हैं, चीज़ें दिखती हैं कि अब वाह काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा फ्यूचर है, कहीं कोई गैप ही नहीं है, राइट। इट इज़ लाइक हम यहाँ गए और यहाँ से आए, बट जितनी चीज़ें रोजी दिखती हैं दोस्तों, साइड जो उसका अगला पक्ष होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। प्लीज़ आप समझने की कोशिश करिएगा। पिछले दो साल से स्पेशली 2021 और 2022 में आफ्टर FMGL रेगुलेशन 21 जितना ज़्यादा बच्चों ने सफ़र किया है, स्पेशली जो बच्चे अब्रॉड रहे हैं, वो मुझे लगता है मेरे करियर में सबसे ज़्यादा विभत्स और सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग सिनेरियो रहा है पिछले दो साल का। ये दो साल इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं जिसमें कि जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है जिसे हम नेशनल मेडिकल कमीशन बोलते हैं, कहीं ना कहीं वही जिसका काम प्रोटेक्ट करने का है, वही एक प्रेडेटर वाले फॉर्म में या मैं कहूँगा एक नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले एंगल में अपने आप को रख रही है, राइट। इस दो साल में हमने देखा कि यूक्रेन वाले बच्चे, फिलीपींस वाले बच्चे, चाइना वाले बच्चे और न्यूमरस कंट्रीज के जो बच्चे थे उनको किस लेवल पर संघर्ष करना पड़ा, किस लेवल तक उन्हें सड़कों पे आना पड़ा, किसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जो पॉलिसीज बनाई गई थी हमारी रेगुलेटरी बॉडीज के द्वारा वो सही नहीं थी, वो गलत थी। और डेफिनेटली हम एज अ पेरेंट जो आज अपने बच्चों को फ्यूचर देख रहे हैं, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा 5 साल 6 साल बाद ऐसी कंडीशन में आए कि कहीं ना कहीं वो भी उसी मझधार में बैठा हो, वो भी उस सड़क पे अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा हो और हम ऐसा पेरेंट अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं और गिल्ट में हो कि कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी सी चीज़ों को न जानने के कारण आज कॉम्प्लेक्स हो गई ये चीज़ और हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों देखिए समझिए, मार्केट है, मार्केट बहुत रूथलेस और बहुत सेल्फिश होता है, आपके इमोशंस की शायद इतनी वैल्यू होती नहीं है, कुछ लोगों के लिए होती है, कुछ के लिए शायद नहीं होती, उनके लिए कॉमर्शियल वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, हर बच्चे को एक पोटेंशियल रेवेन्यू का एक्सपेक्टेशन होता है। लेकिन यहाँ पे जो बाद में जो सफ़र करेगा वो आप करेंगे और आज भी जो सबसे बड़े सवाल है अगर आप नहीं पूछ रहे अपने आप से तो वो भी आप ही की गलती होगी। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हम लोग गलत पैरामीटर्स पे कंपेयर कर रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि पूरा मेडिकल एजुकेशन सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो चुका है। जो बच्चे 2 साल पहले MBBS अब्रॉड करने गए थे उनका जो कॉलेज सेलेक्शन का जो पैरामीटर था और अब जो नया रूल्स, नए रेगुलेशंस, नया फ्रेमवर्क आ रहा है वो पूरा डिफरेंट हो चुका है। इवैल्यूएशन टेक्निक डिफरेंट हो गई है, एक्सपेक्टेशन जो एक बच्चे से है जो पढ़ के वहाँ से आ रहा है वो पूरी डिफरेंट हो गई है। और आज ये 5 सवाल जो मैं आपसे रखने जा रहा हूँ, इन्हीं को आपको समझना ज़रूरी है। कौन सा कॉलेज लेंगे, कौन सी कंट्री लेंगे, इनको आप प्लीज़ एक बार को साइड कर दीजिए, सिर्फ इन 5 सवालों का जवाब ढूंढिए और एक फंडामेंटल सवाल है, आई एम श्योर आप ही रियलाइज करेंगे। सो दोस्तों देखिए, सबसे पहला सवाल आता है कि 18 नवंबर 2021 के बाद नेशनल मेडिकल कमीशन ने जो रूल्स निकाले थे उसके अंदर 2-3 रूल्स हैं। तो सबसे पहला रूल है वो है कि आप किसी भी स्टेज में किसी भी टाइम पे अपना कॉलेज अपनी कंट्री नहीं बदल सकते।
सो यू हैव टू बी वेरी 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 श्योर कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो सही है, आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो रेगुलेटरी कंप्लाइंस को फुलफिल करता है, और आप जो डिसीजन ले रहे हैं उसमें कहीं डबल थॉट नहीं आने वाला आपके माइंड को लेकर। तो ये प्लीज फंडामेंटल चीज नंबर वन आप याद रखिएगा कि रूल आप देखिए, लोग आपको बोलेंगे सीट खत्म हो रही है, कॉलेज खत्म हो रहा है, जल्दी ले लो, बुकिंग करा लो, ये कर लो, वो कर लो, पहली सिचुएशन क्रिएट करेंगे। प्लीज मेरी आपसे बहुत ज्यादा हम्बल रिक्वेस्ट है, कोई सीट कहीं खत्म नहीं हो रही, कहीं कोई नहीं जा रहा, और हो जाए तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक में खत्म होगी दूसरे में मिलेगी। लेकिन जब तक आपको क्लैरिटी नहीं है, जब तक आपको रिटर्न में क्लैरिटी नहीं है, अगर आप डिसीजन लेंगे डेफिनेटली आप एक बहुत बड़ी सिचुएशन पे फंसने चले रहे। देखिए पॉइंट नंबर टू, मेडिक्लेम की पढ़ाई प्योरली प्रैक्टिकल लर्निंग पे बेस्ड होती है। मेडिकल की पढ़ाई प्योरली आपकी एनालिसिस और पेशेंट पे बेस्ड होती है, राइट। वी से कि एवरी पेशेंट ब्रिंग्स अ न्यू लर्निंग टू अ मेडिकल एस्पिरेंट, मेडिकल स्टूडेंट, बट सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आता है कि जो भी कंट्री में चूज करने जा रहा हूँ, क्या मुझे वहाँ वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल रहा है। आप अपने दोस्तों से पूछिए जो बाहर पढ़ रहे हैं, क्या उस लेवल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस, ओपीडी, आईपीडी, पेशेंट फ्लो, उतने वार्ड में ऑक्यूपेंसी, वो डिजीज पैटर्न, वो लैंग्वेज फ्रेंडलीनेस आपको मिल पाएगी वहाँ पे। क्यों आज ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं, पहले इतना मैटर क्यों नहीं कर रहा था, क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि आज जो एग्जाम का फॉर्मेट है, जो FMTE से नेक्स्ट की तरफ जो ट्रांसलेट हो रहा है, जो ट्रांजिशन हो रहा है, वो पूरा चेंज हो चुका है। FMTE में अगर आप थ्योरेटिकली भी इवॉल्व थे, साउंड थे, आप अपने आप को निकाल सकते थे इस प्रोसेस से। नेक्स्ट के प्रोसेस में इट विल बी 90% प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट विल बी 90% केस स्टडी बेस्ड। अगर आपने एक सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पेशेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं किया है, आई एम वेरी श्योर कि आप उस टाइम जब इंडिया में आएंगे और जो कॉमन एग्जाम में इंडियन स्टूडेंट के साथ कॉम्पीट करेंगे, स्पेशली अब्रॉड वाले बच्चे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। एज ऑफ नाउ जो करंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जो डिस्क्रिप्शन है, नेक्स्ट साल में एक बार होगा, और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि जब आप आए तो इसी लूप में फंसते चले जाएं, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है नहीं, और यहाँ पे मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को हॉस्पिटल देगा नहीं, इंटर्नशिप तो बाद में आएगी ना नेक्स्ट मंथ पे, तो मैं कहीं साल दर साल अटका रहा हूँ। तो पहला मतलब सबसे मेन पॉइंट है कि आप सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, फीस स्ट्रक्चर पे फोकस ना करें, आप हमेशा ये जानने की कोशिश करें जिस कॉलेज में मैं जा रहा हूँ उसका हॉस्पिटल कैसा है, उसका पेशेंट फ्लो कैसा है, उस कंट्री में मैं जा रहा हूँ वहाँ पेशेंट की और आप लोगों की इंटरेक्शन का दायरा कैसा है, क्या आप उनकी बीमारी समझ पा रहे हैं, क्या उसको इवेल्युएट कर पा रहे हैं, क्या पेरेंट्स लेकर ट्रीटमेंट उसको दे पाएंगे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज क्लिनिकल इंटरफेस, जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। NMC की दूसरी कंडीशन ये बोलती है, जिसे हम फोर भी बोलते हैं, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा UN ट्राई की थी, कि आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री का आपको लाइसेंसिंग एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। लाइसेंसिंग एग्जाम दैट मीन्स वहाँ के लोकल बच्चे के एट पार आपको भी वहाँ के लाइसेंसिंग एग्जाम में थ्रू होना पड़ेगा। यहाँ जानने का विषय ये है दोस्तों, मैं अगेन सही गलत कुछ नहीं बोल रहा, आप पे छोड़ रहा हूँ, आप एनालाइज करिए इस चीज को, कि कई कंट्रीज में लाइसेंसिंग एग्जाम लोकल लैंग्वेज में होता है। लोकल लैंग्वेज मतलब उनकी अपनी भाषा। और अभी तक क्या होता था, ट्रांजिशन में आपको बता रहा हूँ, पहले और अब में आपको बोलचाल की भाषा तक सीमित रहना पड़ता था पेशेंट इंटरेक्शन के लिए, कि वो कुछ बोल रहा है आप समझ पा रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं वो समझ पा रहे हैं। लाइसेंसिंग एग्जाम लोकल लैंग्वेज में देने का मतलब आपको उस कंट्री की लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी लेनी पड़ेगी, वर्बल एंड रिटन ऑल्सो, एंड रिटन मींस मेडिकल टर्मिनोलॉजी, कोई बेसिक रिटन नहीं है कि बोलचाल में, यू हैव टू बी वेरी फ्लुएंट एंड स्पेशली टेक्निकल लैंग्वेज, विच आई बिलीव कैन बी वन ऑफ द मोस्ट अफिल टास्क फॉर यू, जिसको लेकर आपको 200% श्योर होना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेके देखिए ना, अगर लेट से आप इंडिया में हैं, आप नॉर्थ से हैं और साउथ में लेट से तमिलनाडु जाते हैं, और अगर आपसे कोई बोले 6 साल बाद कि आप रिटन तमिल लिखना सीखिए, स्क्रिप्ट सीखिए, आप उसका एग्जाम को पढ़ने के लिए आप कोई तमिल भाषा को पढ़िए, मुझे आई लीव दिस अगेन अप टू यू, क्या आप भी करने में सक्षम होंगे? इतनी मेडिकल की पढ़ाई का बर्डन होने के बाद क्या आप उस कंडीशन में होंगे कि आप लैंग्वेज में भी प्रोफिशिएंसी लें? और अगर वो प्रोफिशिएंसी नहीं आके तो वहाँ भी ईयर वन के रिलीज करते रहें अगेन? तो हम पढ़ने जा रहे हैं या अपने सालों को रोटेशन में डालने जा रहे हैं कि आप इस चीज़ को पार करने के लिए 3 साल लगा दिए, उस चीज़ को पार करने के लिए 3 साल लगा दिए? तो एक बहुत ही बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है दोस्तों। आगे एक और सवाल यहाँ पे आता है, देखिए इस पूरे 2 साल में अगर आप पास में हमारे
कंटेंट को देखें या हमें जानने की कोशिश करें। बहुत आरटीआई हमने लगाई, हमारे अजीज मित्रों ने लगाई, लीगल केसेस लड़े 2 साल से, शायद लीगल केसेस ही लड़ रहे हैं हम लोग अलग अलग फ्रंट्स पे बच्चों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और क्लैरिटी अभी तक नहीं मिली है। और इस क्लैरिटी में मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार मुझे दो लोग बोलते हैं कि आप इतना अपफ्रंट मत बोलो, नाम मत लो, बट मेरे को कोई गुरेज नहीं है बोलने से कि जो रोल हमारी एम्बेसीज का भी होना चाहिए था वो भी सही नहीं था। और इसको लेकर काफी मीडिया हाउसेज ने भी बड़े बड़े सवाल उठाए थे कि एम्बेसीज आर देयर टू प्रोटेक्ट द स्टूडेंट्स, बट क्या एम्बेसीज चीजें वो मैनिपुलेट करने में लगी हुई है। और ये प्रूवन है कि कैसे एक एडवाइस भी आती है और उसके 2 दिन बाद एडवाइस भी पूरी चेंज हो जाती है, उसके बाद तीसरी एडवाइस भी आती है और पूरा एंड टू एंड आउटपुट ही चेंज हो जाता है, राइट। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी ड्यूरेशन आपको जितनी दिख रही है वो ड्यूरेशन उतनी नहीं है, बिकॉज एनएमसी बोलती है कि आपको एट पार होना है लोकल स्टूडेंट के, राइट। एनएमसी बोलती है कि यू हैव टू हैव द सेम थिंग जो रूल बनाए हैं वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है, तो आपको भी उतनी पावर होनी चाहिए कि वहाँ इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस कर पाए। अब किसी कंट्री में, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे इंडिया में एनकेबीएस के बाद आप इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप प्रेस्क्रिप्शन दे सकते हैं, आपको उन कंट्रीज में 6 साल की पढ़ाई के बाद पीजी इंटर्नशिप या पीजी प्रोग्राम करना पड़ता है, तो आपको डबल प्रोग्राम करना पड़ेगा, तो 2 से 3 साल का एडिशनल प्रोग्राम होता है। इसके लिए भी आपको डेफिनेटली क्लैरिटी लेनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो आप सोच के जाएं 6 साल पर और पता चले वहाँ पे 6 की जगह 8 साल लग गया, बीच में एंट्रेंस एग्जाम और जुड़ रहा है, जो आपका पूरा एस्पिरेशन बिगाड़ देगा। प्लीज कीप दिस इन माइंड। आई होप आप अपनी कंट्री सिलेक्शन में ध्यान दें कि आपकी ड्यूरेशन कितनी जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे आपकी ड्यूरेशन ज्यादा हो जाए, और अगर ये कल को रेजोल्यूशन आ जाता है, गॉड फॉरबिड, आपके लिए सिचुएशन और क्रिटिकल हो जाए। सो दोस्तों, ये जो मैं आपके सामने 4-5 पॉइंट्स लेके आया हूँ, दीज आर इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कॉलेज, आप कॉलेज कंट्री नहीं बदल सकते। इन सवालों का जवाब आप जरूर लीजिए, क्लिनिकल फैक्ट्स जानने की कोशिश करिए, फीस वगैरह आपको ठीक है प्लस माइनस होती रहेगी, वो आपको दिखती रहेगी, आप उस कंट्री के रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को जानने की कोशिश करिए, ड्यूरेशन को जानने की कोशिश करिए, लाइसेंसिंग कंडीशन फुलफिल कर रही है नहीं कर रही है इसको जानने की कोशिश करिए, और मुझे लगता है जब ये जान के आप एक डिसीजन लेंगे तो आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे। तहे दिल से मेरी आपसे यही गुजारिश भी है कि प्लीज़ पैनिक मत करिए। देखिए, ये मार्केट है, एज अगेन आई एम सेइंग, हर आदमी अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट में लगा है, लेकिन उनके वेस्टर्न इंटरेस्ट से आपका फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, तो सफर आप ही करेंगे, आपके बच्चे करेंगे, जो अभी कर रहे हैं 2 साल से। एनएमसी को कोई नजर नहीं पड़ रहा हमारी मीटिंग्स में, हमारे दोस्तों की मीटिंग्स में उन्होंने क्लियर बोल दिया कि वी आर नॉट कंसर्न विद एमबीबीएस अब्रॉड स्टूडेंट्स। हमने अपनी जो रेगुलेटरी कंप्लायंस देनी थी दे दी, हमने जो एफएक्यू देने थे दे दिए, अब वो सही इंटरप्रेट कर रहे हैं गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। कल को वी विल नॉट बी इन एनी पोजिशन। हमने बोला आप लिस्ट डालिए कुछ कॉलेजेस की, आप कंट्री वाइज कंट्री के अपनी एम्बेसी के थ्रू पूछिए कि वेदर यू फुलफिल योर कंप्लायंस इज नॉट, बट एनएमसी इज क्लियरली रिफ्यूटेड, तो बॉल आपके कोर्ट में है। चीज़ों तो बहुत ज़्यादा रोजी मत देखिए, ये क्रिटिकल इवैल्यूएशन करिए, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लीजिए, ये मेरा एक सीरियस थॉट है आपसे, है ना। और आई एम श्योर इस चीज़ को आप सोचेंगे, समझेंगे, इस चीज़ को आप एनालाइज करेंगे, कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आप पूछने की कोशिश करिएगा, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, और ठंडे दिमाग से कॉल लीजिए, जल्दबाजी में कोई कॉल मत लीजिए। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको गुड विशेस देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि शायद आप लोग अपने साथ जस्टिस करेंगे।